हम जब एडुकेशन सिस्टम पे आते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आ जाती है, तब हम देखते हैं कि गोवा स्टेट ने सबसे पहले हमारे यहाँ के एसएससी एग्ज़ाम, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स और पॉलिटेक्निक्स एग्ज़ाम सभी अच्छी तरह से लेने की हमने कोशिश की, हमने ये एग्ज़ाम ली। इस एग्ज़ाम्स को ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ के ढेर सारे एनजीओज और पॉलिटिकल विरोध भी हुआ, वो कोर्ट में भी गए, लेकिन हमने एमएचए की गाइडलाइन और एमएचए का सपोर्ट की वजह से हम ये एग्ज़ाम ले सके। सबसे पहले हम एसएससी जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स थे, ये एग्ज़ाम्स मोर देन 19,000 स्टूडेंट्स वेर अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम्स, और बल्कि गोवा में नहीं, गोवा के कुछ स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र में थे, कुछ स्टूडेंट्स जो कर्नाटक में थे, और कोविड-19 के लॉकडाउन के वजह से वो स्टूडेंट्स गोवा में नहीं आ सकते थे। हमें उनके लिए महाराष्ट्र में एग्ज़ाम सेंटर ओपन कर दिया, कर्नाटक में हमने एग्ज़ाम सेंटर दे दिया, और सभी नॉर्म्स कोविड-19 के नॉर्म्स का पालन करते हुए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, सभी का यूज़ करते हुए हमने सक्सेसफुल एग्ज़ाम यानी कंडक्ट की। गुजरात की गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बारिश, कोरोना होते हुए भी 1938 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसिल करो की मांग करने वाले लोग, जो विद्यार्थी अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उसका मन पहचानते नहीं है। गुजरात में 90 से ज़्यादा परसेंटेज विद्यार्थी लोकल गुजकेट में अपीयर हुए, इसका मतलब है कि वो पढ़ना चाहते हैं। लंबी तैयारी के बाद जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत कम परसेंटेज हैं, और ओपोजिशन वाले को भी सोचना चाहिए कि जो करियर बनाना चाहते हैं उसका परसेंटेज 90% है। सम ऑफ द स्टेट्स दे वर ट्राइंग टू प्रिवेंट देयर बेस्ट दैट नीट एग्जाम शुड नॉट हैपन इवन इन द प्रीवियस ईयर आल्सो, नॉट ओनली दिस ईयर, इवन इन द प्रीवियस ईयर दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्कटल द नीट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड। They want to take advantage of the situation and prevent from exam being conducted. When exams are conducted across the country, every state, what is their problem? Activities going on, unlock has been done, revival of economy is going on, people are working. What is the problem? All prevention and precaution has been taken. Our state CET itself is a model, even in Supreme Court it has been shown how effectively, how successfully the CET exam has been conducted in the state of Karnataka. That is a model for other places and other institutions to conduct. I think this kind of excuse is with a malafide intention, with a bad intention, with self-serving purpose, with their own vested interest. It is basically a vested interest they are trying to do this. I totally condemn the people who are trying to go against NEET exams.